हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप आईआईटी जेएम या किसी और यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी, जो चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए आप एमएससी एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो मैथमेटिक्स से, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए, क्योंकि सभी में क्वेश्चन एक ही तरह के पूछे जाते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास x²d²(-5x)/(9y=0), इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लगेगा, 5-6 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं या जब हम पेपर में सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन सिर्फ आधा मिनट का क्वेश्चन है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन करते हैं हम यहां से। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सिंपली लेट x = e^z या z = log x ये एज्यूम करते हैं। जब ये एज्यूम करते हैं तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स में ये पढ़ा भी था, जब ये एज्यूम करते हैं तो हमारे पास सिंपली जहां पर भी dn/dxn हो वो चेंज हो जाता है हमारे पास d(-1), d-2), d-n+1 और वेयर d = d/dz, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वो चेंज हो जाता है जेड में। तो इस तरह से जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास चेंजेस आते हैं। ये हमने जनरल मेथड्स के पढ़े हुए हैं। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, जनरल मेथड इसके मिल जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स में, ये हमारे पास है। अब जब हम ये पुट करते हैं तो इस तरह से चेंज हो जाते हैं हमारे पास। तो इसको देखें, और यहाँ पे x^n भी होता है शामिल, आगे x^n भी होता है फ्रेंड्स इसमें। तो x²d²/dx² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d - 1, इसको और x/dy/dx को देखें तो -5d+9y=0, जहां पे d जो है वो है d/dz, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम d²-d, और ये हो जाएगा -d और प्लस, तो ये हो जाएगा -6d+9y=0। अब फिर ये आ गया हमारे पास। तो अब यहां से अगर d के हम फैक्टर निकालना चाहें तो d के फैक्टर किस तरह से निकाले जा सकते हैं, तो इसको देखें तो d-3 का होल क्यूब है। तो ये हो गया हमारे पास यहां से d-3 का होल क्यूब = 0। तो यहां से ये हो गया। तो एक्सेलरेटेड इक्वेशन, इसके बाद हम एक्सेलरेटेड इक्वेशन डिफाइन करते हैं। बेसिकली जब हम एग्जाम में इसको सॉल्व कर रहे थे तो एक्सेलरेटेड इक्वेशन सॉल्व नहीं करते, सिंपली हम d-3 d/3 निकाल लेते हैं, जो कि m की वैल्यू होती है। तो यहां एक्सेलरेटेड इक्वेशन अगर देखें तो एक्सेलरेटेड इक्वेशन जहां पे भी d है वहां पे m पुट कर देते हैं। तो m-3 का क्यूब² = 0, तो यहां से हो गया m = 3, 3। तो यहां से हम cf लिख सकते हैं y = क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो c1+c2z, क्योंकि z यहां वेरिएबल है, z और e^3z, ये हो गया। बट z = log x, z = log x है, z = log x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास यहां से आ जाएगा c1+c2 log x एंड e^3, और ये log x, तो ये हो गया हमारे पास c1+c2 log x, और इसको हम लिख सकते हैं log x³। तो e^3 log x³ जो हो गया x³।
ये हमारे पास आ गया फ्रेंड्स। ये ऑप्शन कहां पर है हमारे पास, C1 प्लस C2 log x डॉट एक्स क्यूब, यानी ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे एग्जाम हमारे हर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।